हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे शहर में। सो गाइस, आज हम टॉप 10 मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। इन 10 कंपनियों ने पिछले 5 सालों के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। आने वाले समय में ये कंपनियां अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती हैं एंड इन कंपनियों का CAGR भी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है, जो अपने इन्वेस्टरों के लिए 2025 तक डबल होना यानी कि 100% से भी ज़्यादा हो सकता है। इतना रिटर्न देने के लिए पोटेंशियल स्टॉक्स अपने अंदर रखते हैं। और गाइस, ये 10 कंपनियां ना अलग अलग सेक्टर से ही रिलेट करती हैं, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में देकर चलना है, फोकस में लेकर चलना है। सो गाइस, सबसे पहली कंपनी हमारी आती है टाटा पावर। टाटा पावर कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गाइस, आपको पता होगा कि ये कंपनी एक पावर सेक्टर की है और टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनियों में से एक है, जो पिछले साल से लगातार तेजी से रिटर्न बनाकर दे रही है। कंपनी का पावर शेयर अगर आप देखोगे, अभी 436 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कल के दिन काफ़ी अच्छा बुलिश बनता है इसके अंदर। और लार्ज कैप कंपनी आप ये कह सकते हो, इसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर अगर आप देखोगे तो 97% तक का CAGR दिया है बनाकर। गाइस, कंपनी की नेट प्रॉफिट ना 2021 में 611 करोड़ का था, जो कि अब बढ़कर 3102 करोड़ का पहुंच गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 46%, पब्लिक की 27%, FI की 9.44% और DI की 15.81% देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड रिटर्न्स की भी बात करें तो पिछले एक साल में 98% तक का एंड 4 साल में इसने 505% तक का रिटर्न दिया है बनाकर, ठीक है। गाइस, वही बात करें नेक्स्ट कंपनी की, तो आप टाटा पावर को भी थोड़ा सा रडार लेवल पे लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है केपी ग्रीन। केपी ग्रीन में फिलहाल कल के दिन गिरावट देखने को मिलती केपी ग्रीन एनर्जी के अंदर। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से काम करती है। कंपनी का करंट शेयर प्राइस आप देख रहे हो 594 पे देखने को मिल रहा है एंड मार्केट कैपिटल अगर बात की जाए तो इसकी गाइस हमें 2600 देखने को मिलती है एंड इसने पिछले 5 साल के अंदर देखोगे तो 183% तक का रिटर्न बनाकर दिया है। एंड अगर एक साल की बात की जाए तो एक साल में इसने गाइस, अभी आप जैसे कि हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो ये कंपनी अभी 22 मार्च को ही आई है, 210 रुपये के प्राइस पर देखने को मिलती है एंड काफ़ी अच्छा रिटर्न गाइस केपी ग्रीन एनर्जी ने भी बनाकर दिया, तो आप इसको रडार लेवल पर लेकर चल सकते हो। देखिए, अभी अभी मैं आई है और इसने कम से कम 200% तक का रिटर्न बनाकर दे दिया है। एंड अगर बात करें ना कंपनी के बारे में, सो गाइस, इसमें आकर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 66.59%, पब्लिक की 24.13%, FI की 7.61%, DI की 1.67% देखने को मिलती है। गई ये फैब्रिकेटेड कंपनी है, मतलब इससे रिलेटेड काम करती है, गवर्नलाइज्ड लिस्टेड कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी गाइस हमारा टनाला प्लेटफॉर्म। टनाला प्लेटफॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये IT सेक्टर की ये कंपनी है। कंपनी का करंट शेयर प्राइस आप देख रहे हो 966 का देखने को मिला है एंड इस IT सॉफ्टवेयर कंपनी का मार्केट कैपिटल गाइस 12,000 करोड़ का देखने को मिलता है और 5 साल में इसने नियर अबाउट 1300% तक का मतलब CAGR रिटर्न दिया है। एंड गाइस, इसलिए अगर 5 साल में किसी ने 11 लाख रुपए 98,000 मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर किसी ने भी 1 लाख रुपए लगाया होता तो 5 साल में उसका कम से कम 11 लाख रुपए उसके अंदर बन चुका होता। IT सेक्टर में गई पिछले 2 साल में लगातार गिरावट होते हुए नजर आ रही है, लेकिन 2024 में और 25 में ये सेक्टर एक मल्टीपैगर रिटर्न देने वाला बन सकता है। अगर मैं इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो उसको 44%, पब्लिक की 40%, FI की 15% और DI की 0.66% देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट भी 356 करोड़ से बढ़कर 548 करोड़ पे पहुंच गया। गाइस, नेक्स्ट कंपनी वही KPIT आती है। KPIT की गाइस अगर बात करें तो आपको पता है काफ़ी अच्छी कंपनी है और अच्छा खासा रिटर्न भी देती है। यह कंपनी भी IT सॉफ्टवेयर में काम करने वाली कंपनी है। इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस गाइस अभी आप देख रहे हो 1743 का देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 47,000 करोड़ का है एंड पिछले 5 साल में भी इसने 1600% तक का रिटर्न दिया है। और अगर आप कह सकते हो फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये बनाकर दे सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट में साल दर साल तेजी से ग्रोथ देखी जा रही है एंड इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी में लॉन्ग टर्म अगर निवेश किया तो उनको कई गुना रिटर्न भी मिला है। अगर आप देखोगे ना मैक्सिमम भी देख सकते हो आप 1500% तक का रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। और गाइस, वहीं अगर इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 39% है, पब्लिक की 21.49%, FI की 23.98% एंड DI की 14% है। नेट प्रॉफिट गाइस 147 करोड़ से बढ़कर 599 करोड़ पे पहुंच गया। नेक्स्ट गाइस कंपनी हमारी जेन टेक्नोलॉजी आती है। जेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करती है। सरकार के सेक्टर पर काफ़ी अच्छा ध्यान देखने को मिला है, पिछले कई सालों से बड़े फोकस में है। इस वजह से आप कह सकते हो 1433 पे इसका
ट्रेड प्राइस है, ट्रेडिंग प्राइस है, और मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो 12,000 करोड़ का देखने को मिलता है। गाइस पिछले एक साल के अंदर इसने 246% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में आप देखो तो 1900% तक का रिटर्न देखने को मिलता है, और मैक्सिमम 2400% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पेंडिंग 49% है, पब्लिक का 16.77%, FI का 16.53% एंड DI का 17.53% देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट इसने 2021 में 306 करोड़ कमाया था, जो कि बढ़कर 465 करोड़ पर पहुंच गया है। देखिए इसने ग्रोथ काफ़ी अच्छी करी, पिछले एक साल में 96% से बढ़कर 193% तक पर आ गया। मतलब फिलहाल तो इसने साल भर में 81% तक का रिटर्न दिया है, एंड देन उसके बाद सीधा हमें एक साल के अंदर ही यहाँ पर 250% तक का रिटर्न देखने को मिला। नेक्स्ट गाइस कंपनी हमारी गणेश हाउसिंग निकल कर आती है। गणेश हाउसिंग की बात करें तो गाइस ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर से है, एंड इस कंपनी का मार्केट कैप, मार्केट प्राइस 1995 का चल रहा है, एंड मार्केट कैप है इसका 8,000 करोड़ का। गाइस ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, एंड कंपनी का पिछले 5 साल का CAGR 82% से बढ़ा है। अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 2000% तक देखने को मिलता है। कंपनी अगले 5 साल में से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देती है, और ₹1,00,000 के अगले 5 साल में गाइस कम से कम 19 लाख बन चुके थे। ये कंपनी अगले 5 साल में ऐसा ही परफॉर्मेंस दिखा सकती है, क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो 73.05% एंड पब्लिक की 26.02%, FI की 0.9%, DI की 0.4% देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट गाइस इसका 105 करोड़, मतलब नेगेटिव में था, पहले कंपनी को लॉस में था, बढ़कर 460 करोड़ पे पहुंच गया है। गाइस वही बात करें नेक्स्ट कंपनी की, जो कि HBL पावर है। HBL पावर की बात करें तो गाइस ये एक ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में काम करती है, और इसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिया। पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो 2100% का रिटर्न देखने को मिलता है, मैक्सिमम में 1900% का रिटर्न देखने को मिलता है, हल्का 30% देखने को आया है। तो आप आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छा ही परफॉर्मेंस बना कर दे सकती है। प्रमोटर होल्डिंग 59%, पब्लिक की 35.65%, FI की 4.59%, DI की 0.66% देखने को मिलती है। एंड गाइस इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12 करोड़ से बढ़कर 262 करोड़ पर पड़ गया। गाइस वही नेक्स्ट कंपनी हमारी जिंदल स्टेनलेस निकल कर आती है। जिंदल स्टेनलेस की बात करें तो गाइस ये फिन स्टील सेक्टर की एक मिड कैप कंपनी है, एंड इसने देखिए कल के दिन इसमें काफ़ी अच्छी तेजी थी, और इसने आने वाले मतलब 5 साल में भी गाइस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया 2400% का, और अभी भी इतना पोटेंशियल लगती है कि आगे चल के आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। एंड अगर बात करूँ तो मैक्सिमम भी आप देख सकते हो, 6 मंथ में भी आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छे इसने रिटर्न्स बना के ही दिए हैं। प्रमोटर होल्डिंग 44.81% से, एंड पब्लिक 18.44%, FI की 26.06%, DI की 10.32% देखने को मिलती है। 2021 में इसका प्रॉफिट 78-72 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 91,145 करोड़ पर पहुंच गया। गैस तो आप इसको फोकस में लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट कंपनी गैस हमारी ज्योति है। ज्योति स्टेनलेस ये एक कंपनी केमिकल सेक्टर की कंपनी, कंपनी का शेयर करंट प्राइस अभी आप देख रहे हो 1463 देखने को मिल रहा है, एंड इसका मार्केट कैप 1700 करोड़ का है गैस। एंड अभी भी मतलब काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न बनाकर दिया है, और काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। पिछले 6 मंथ आप देखोगे इसमें गिरावट है, लेकिन साल भर में अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत चढ़ा है, लेकिन 5 साल में 2600% का रिटर्न देखने को मिलता है। अभी कह सकते हैं यहाँ से इधर गिरावट आई है, 14% के डिस्काउंट लेवल मिल रही है, बहुत एक एंट्री पॉइंट बना रही है काफ़ी अच्छा। गाइस वही बात कीजिए, प्रमोटर होल्डिंग 50% है, पब्लिक की होल्डिंग 49% है, एंड FI की 0.30%, DI की 0.07% देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट 12 करोड़ से बढ़कर 67 करोड़ पर पहुंच गया। गाइस नेक्स्ट एंड लास्ट कंपनी में KPI ग्रीन एनर्जी निकल कर आती है। KPI ग्रीन एनर्जी में भी देख रहे हो, ये गाइस एक ना रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी में से एक कंपनी है, एंड इसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है पिछले 5 साल के अंदर। अगर आप देखोगे तो देखिए 912% का रिटर्न बनाकर दिया है, 6 मंथ में अगर आप देखोगे तो 88.2% का, साल भर में 200% का, और मैक्सिमम देखा जाए तो वही 2022 में जो अभी तक काफ़ी अच्छा 900% तक का रिटर्न बनाकर दे चुकी है, और आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखती है कि रिटर्न बनाकर दे सके। और प्रमोटर होल्डिंग्स की गाइस 53.08%, पब्लिक की 40.69%, FI की 5.06%, DI की 0.63% देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट 21 करोड़ से 161 करोड़ पर पहुंच गया, एंड आप ये कह सकते हो कि एक साल में इसने 214% तक का रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न गाइस इस कंपनी ने दिया। कह सकते हैं कि टोटल 10 कंपनीज है जिन्होंने 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, अभी भी इनके जो सेक्टर्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छे ट्रेंडिंग ही देखने को मिलता है, और आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न ये आपको दिमाग कर दे सकते हैं। बाकी गाइस आप खुद से स्टडी कर लेना, चेक कर लेना, देन तभी इन्वेस्ट करके चलना। इस चैनल पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं की जाती किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। सो गाइस चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना जरूर, बेल आइकन प्रेस करिएगा, आगे की नोटिफिकेशन। बाय गाइस, थैंक यू, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।